डेरेन सैमी स्टेडियम में आई छक्कों और चौकों की आंधी। एक ओवर में वेस्टइंडीज ने ठोक दिए 36 रन। 16 छक्के और 26 चौके देखकर फैंस हुए परेशान। पूरन के तूफान में उड़ी अफगानिस्तान। पहली बार थरथर कांपे राशिद खान। रोते हुए मैदान से निकले अफगानिस्तान के गेंदबाज। T20 वर्ल्ड कप के लीग मैच का आखिरी मुकाबला था वेस्टइंडीज बनाम अफगानिस्तान। ये ऐसे ग्रुप की टीमें थी जिन्होंने न्यूजीलैंड को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब इन पर दांव था आपसी टकराव का। और इस वक्त अफगानिस्तान के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने जिस तरह की गल्लेबाजी की उसे देखकर मानो मजा ही आ जाए, क्योंकि अफगानिस्तान की गेंदबाजी कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप की टॉप गेंदबाजियों में से एक है। उनका जो गेंदबाजी आक्रमण है वो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के सामने उनकी एक न चली। एक ओवर में 36 रन आ गए। ऐसा लगा कि हो सकता है युवराज सिंह का रिकॉर्ड टूट जाएगा, लेकिन भले ही एक खिलाड़ी ने न तोड़ा हो, लेकिन एक टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर एक ओवर में 36 रन बनाकर रिकॉर्ड की बराबरी तो कर ही ली है, कह सकते हैं, क्योंकि यह मुकाबला बहुत शानदार हुआ था। टॉस जीता था अफगानिस्तान ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शुरुआत बिल्कुल अच्छी हुई थी। क्या हुआ था पहली पारी में, चलिए दिखाता हूं छोटी सी रिपोर्ट में। वेस्टइंडीज को पहला झटका अजमतुल्ला अमरजई ने दिया। इसके बाद मोर्चा जॉनसन कॉल्स और निकोलस पूरन ने संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी हुई। इसके बाद चार्ल्स 43 रन बनाकर आउट हो गए। शाई होप 17 गेंदों पर दो चौकों की मदद से 25 रन बनाए। रोमन पावल ने 26 रन बनाए। इसके बाद निकोलस पूरन का तूफान आया। पूरन ने 53 गेंदों में 98 रनों की विस्फोटक पारी खेली। जहां शुरुआत वेस्टइंडीज की खराब हुई थी, वहीं जब आखिरी अंजाम आया तो स्कोर 200 के पार था। और ये देखकर हर वेस्टइंडीज का फैंस काफी खुश हो गया, क्योंकि सुपर 8 से पहले एक अहम मुकाबला था। अफगानिस्तान के सामने वेस्टइंडीज कैसा प्रदर्शन दिखाएगी, इस सब पर बातचीत होनी थी, क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिन सबसे कमाल की थी और वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। 219 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रहमतुल्ला गुरबाज बिना खाता खोले ही आउट हो गए। इब्राहिम गुलबदीन 7 रन बनाकर आउट हो गए। इब्राहिम जारदान के बल्ले से 38 रन निकले। नजीबुल्ला जारदान 0 और मोहम्मद नबी 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इस मैच में करीम जन्नत ने 14 रन, नूर अहमद ने 2 रन, नवीन उल हक ने 4, राशिद खान ने 4 रन बनाए। और इस अहम मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को 104 रनों से हार का सामना करना पड़ा। यह हार इतनी चुभेगी अफगानिस्तान को, क्योंकि आप अगर ये मुकाबला जीत के जाते तो इंडिया के सामने आपका मोरल थोड़ा हाई होता। लेकिन अब 20 जून को अफगानिस्तान इंडिया के खिलाफ सुपर 8 में ग्रुप 1 का मैच खेलेगी। लेकिन इसमें कई सारे रिकॉर्ड बने हैं। इस मैच में एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसे देखकर दुनिया की सारी टीमें डर जाएंगी, क्योंकि वेस्टइंडीज की टीम ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अपने आप में कमाल का है। वेस्टइंडीज की टीम ने T20 वर्ल्ड कप में कभी भी लगातार 4 मुकाबले नहीं जीती थी। इस बार उसने ये कारनामा किया है। और वेस्टइंडीज जब भी लगातार 3 से ज्यादा मैच जीती है, 2 बार तो वो चैंपियन बनी है, 1 बार सेमीफाइनल में पहुंची है। 2024 में 4 मुकाबले लगातार जीते हैं। 2012 में 3 मुकाबले लगातार जीते थे, चैंपियन बने थे। 2014 में 3 मुकाबले लगातार जीते थे, सेमीफाइनल खेले थे। 2016 में 3 मुकाबले जीते थे और चैंपियन बने थे। वहीं अगर बात करें अफगानिस्तान के लिए, तो अफगानिस्तान की ये अब तक के T20 इंटरनेशनल में सबसे बुरी हारों में से एक है। इससे पहले इंग्लैंड ने उन्हें कह सकते हैं 100 से ज्यादा रनों से मात दी थी। इंग्लैंड ने साल 2012 में अफगानिस्तान को 116 रनों से हराया था। आज वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को 104 रनों से हराया, जबकि इनकी तीसरी जो सबसे बड़ी हार है वो है इंडिया के खिलाफ साल 2021 दुबई में 101 रनों की थी। तो फिलहाल जिस तरह से वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान को मात दी, आपको क्या लगता है, क्या इस तरह से अगर खेलती रही वेस्टइंडीज तो क्या ट्रॉफी जीत सकती है? ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।